राष्ट्रीय उलमा काउंसिल कानपुर यूनिट द्वारा प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को जिलाध्यक्ष मोहम्मद वारिस की अध्यक्षता में दिया गया, जिसमें पार्टी द्वारा यह मांग की गई कि सरकार संविधान के अनुच्छेद 341 में धार्मिक प्रतिबंध हटाकर मुस्लिम और ईसाई दलितों पिछड़ों को भी आरक्षण प्रदान करे। जिलाध्यक्ष मोहम्मद वारिस ने बताया कि स्वतंत्र भारत की पहली पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार ने अनुच्छेद 341(3) का संशोधन करके उसमें हिंदू और सिख शब्द जोड़कर सभी वर्गों को मिलने वाले आरक्षण को केवल हिंदू और सिख धर्मों के पिछड़े, अति पिछड़ों और दलितों के लिए सीमित कर दिया और मुस्लिम और ईसाई धर्म के दलितों पिछड़ों को इस आरक्षण से वंचित कर दिया। अनुच्छेद 341 से धार्मिक प्रतिबंध को समाप्त करना देश व न्याय हित में अति आवश्यक है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल धर्म के आधार पर मिलने वाले आरक्षण का विरोध करती है और प्रधानमंत्री से यह मांग करती है, उपर्युक्त अनुच्छेद से धार्मिक प्रतिबंध को हटाकर भारत देश के मुस्लिम व ईसाई समाज के दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों को आरक्षण प्रदान करने की कृपा करे। प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष मोहम्मद वारिस, नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद अली अहमद, पूर्व जिला सचिव मोहम्मद अयाज, इमरान अहमद, मुजफ्फर हुसैन वारसी, मोहम्मद आरिफ, इस्माइल मंसूरी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद शकील व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। कानपुर संवाददाता मोहम्मद शादाब की लाइव रिपोर्ट। संबंध में ज्ञापन देने मोहम्मद वारिस, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल कानपुर जी। हम लोग आज आर्टिकल 341 के संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय आए और प्रधानमंत्री महोदय को ये ज्ञापन है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कि आर्टिकल 341 में जो धार्मिक प्रतिबंध लगा हुआ उस वक्त सन 1950 10 अगस्त 1950 की सरकार, तत्कालीन कांग्रेस सरकार, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री, उन्होंने इस आर्टिकल में एक संशोधन किया था कि इसको सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को दिया जाए, बाकी किसी भी धर्म के लोगों को नहीं दिया जाएगा। दो साल बाद सन 10 अगस्त 1952 को एक संशोधन किया, बाकी समुदाय के लोगों को दे दिया, सिर्फ ईसाई और मुस्लिम समाज के लोगों को नहीं, जबकि जो जातियां और धर्म में हैं, जाट है, जाति है, चमार है, पासी है, धोबी है, वो ईसाई धर्म में भी हैं लोग और मुस्लिम समाज में भी हैं, लेकिन इन दो समाज को छोड़ करके पंडित नेहरू ने सबको दे दिया और इन दो समाज के साथ अन्याय किया, जो कि आज तक चला आ रहा है। हमारी मांग उनसे भी रही और आज मौजूदा सरकार मोदी जी भाजपा सरकार से भी ये उम्मीद करता हूँ मैं, क्योंकि इसलिए मोदी जी इस बात का नारा देते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और योगी जी उत्तर प्रदेश में रह करके अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि खाली ये लोग आप लोग बात करेंगे या इस पर काम करेंगे। अगर काम करेंगे आप लोग तो मुस्लिम समाज आपको सपोर्ट करेगा। आज आप जो बैसाखी की सरकार बन गई वो ये सब यही देन है कि अगर आप मुस्लिम समाज के साथ, मुस्लिम समाज के साथ अन्याय करेंगे और न्याय नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में जो आज जो अभी एक बैसाखी बची है ये भी हट जाएगी। इसलिए निवेदन है हमारा कि अभी वक्त है, समझ जाएं, होश में आएं और सभी के साथ न्याय करें, अन्याय को छोड़ें और ईश्वर से डरें। और हमारी ये गुजारिश है कि इस आर्टिकल 341 पे जो धार्मिक प्रतिबंध लगा हुआ है इसको हटाएं, हम मोदी जी का स्वागत करें। भारत में तेजी से उभरता हुआ देश का मजबूत व राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में सदस्यता लेने हेतु पत्रकार, अधिवक्ता व समाजसेवी आज ही 94-50-12-25-92 पर संपर्क करें और सदस्यता लेकर संगठित रहते हुए हर पीड़ित व जरूरतमंद की मदद करें।